हेलो दोस्तों, ये देखिए मेरे कितने बड़े बड़े बाल हो गए हैं लॉकडाउन में। अब इसको हम पहले ही बनवाना चाहते थे, लेकिन काम के वजह से हम बनवा नहीं पाए। हम सीखा अब बनाएंगे। इसी में एक एक दिन निकलता चला गया, लेकिन आज हमने मूड बनाया है कि आज ही बाल बनेगा। तो हम नाई के पास नहीं जाएंगे, क्योंकि वहाँ जाने थोड़ा सा डर है। उन लोगों के पास जो है कि बहुत सारे लोग आते हैं, और किस तरह से आते हैं, कैसे कैसे लोग आते हैं, तो इस समय हम वहाँ पे नहीं जाएंगे। बेल बनाना है तो हम घर पे ही बना लेंगे। तो ये देखिए काफ़ी ज़्यादा बड़े हो गए हैं। अभी चले इसको हम भिगाएंगे और घर पे ही अपना बेल हम बनवाएंगे। बेल बनाने में कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है, तो सिर्फ छीलना ही है उसको, तो घर पे ही छील लेंगे। और इस बेलों का प्रचलन चला है, सभी लोग देख रहे हैं कि लॉकडाउन में बेल बनवा बनवा के अपना चल रहे हैं, घर पे बैठे हैं, तो उसी में अपना वो बाल जो है कि बड़े बड़े भी हो जाएंगे। तो आज हम भी चल रहे हैं, बेल बनवाएंगे। और ये कि अभी लॉकडाउन तो बढ़ता चला जा रहा है, अभी चौथा चरण चल रहा है, तो अभी कितने दिन चलेगा कोई ठीक नहीं है। तब तक तो मेरा बाल बड़ा हो जाएगा। तो दोस्तों आज आप कुछ दिखा रहे हैं मुंडन। अगर आपका भी बाल भी बड़े हो गए हैं, तो आप भी अपना बाल बनवा सकते हैं, और घर पे ही बनाइए। अभी नाई के पास मत जाइए। मैंने देखिए अभी दाढ़ी बनाया घर पे, अब बाल भी बनवा लेंगे मुंडन की, गाँव में कहते हैं बेल। तो ये मेरा चल रहा है अब बेल बनने के लिए। ये देखिए आँख के नीचे तक मेरा बाल हो गया है, काफ़ी ज़्यादा बड़े हो गए हैं। तो दोस्तों चल रहे से भिगाएंगे, बनाएंगे अपना बेल, मुंडन होगा। इसके बाद बच्चे लोग तो इस तकथिया तकथिया खेलेंगे, बहुत मज़ा आता है गांव में। बच्चे लोग खेलते हैं तकथिया, चूमते हैं, मारते हैं, आँख मुन के भी तकड़ा तकड़ा होता है। तो चल रहे हैं अपना बेल बनाने के लिए। मैं अपना पहले में बाल देख लूँ, इस बाल बन जाएगा तो इस बार देखने को नहीं मिलेगा, कुछ दिनों बाद ही सब बाल मिलेगा। ले लीजिए कटोरी में पानी, ऐसे अब इससे बनेगा बेल हमारा। इसको भिगा रहे हैं। तो भाई आप देख रहे हैं हम बाल को जो है कि भिंगा रहे हैं पानी लगा करके अच्छी तरह से। देखिए काफ़ी अच्छे से मिला लेना है, क्योंकि जितना ही अच्छा बाल भिंगा रहेगा, मुलायम होगा, उतने अच्छे से जो है कि आपका मुंडन होगा, बेल चलाएगा। तो ये देखिए हमने बाल को अच्छे से भिंगा लिया है और हमारा बाल मुलायम हो गया है। अब इससे जो है कि हम ब्लेड लेंगे, उससे जो है कि छिलेंगे। ये हम नहीं छिलेंगे, कोई दूसरा छिलेगा, क्योंकि ऐसा पहली बार हो रहा है, नहीं तो इससे पहले ना ही छिलते थे। तो देखिए हमने ये रेजर ले लिया है, इसमें ब्लेड लगा रहे हैं, इसको लगा करके कस देंगे, और इसके बाद जो है कि ये तैयार हो जाएगा। और ये हमने बगल में पानी भी रख लिया है और कैंची है, और ये रेजर तैयार हो गया हमारा। तो देखिए दोस्तों पहले की हमारी कहावत एक याद आ रही है, गाँव में जो है कि एक लोग जाते हैं बाल बना के बनवाने के लिए नाई के पास, तो कहते हैं कि मेरे सर में कितने बाल हैं। तो नाई हंसते हुए बोला, हुजूर घबराइए मत, जितने भी बाल हैं आपके सामने ही आ रहे हैं, आपके सामने आएंगे। तो ये देखिए मेरे बाल मेरे सर में कितने हैं, मेरे सामने धीरे धीरे आ रहे हैं। तो गांव में जो है कि पहले नाई लोग जो है कि बाल बनाते थे, उसका पैसा नहीं लेते थे, और गेहूं धान जब होता था तो उसका जो है कि लहना लेते थे, और उसी से पूरा साल में जो है कि बाल बनाते थे। एक पैसा भी नहीं लगता था, सिर्फ वही लहना लेते थे राशन। अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये देखिए मेरा बाल बन गया, और इतने बाल सर से निकले हैं, मेरे सामने सब बाल आ गए। अब इससे गिनो कितने बाल हैं, और रूसी बहुत ज़्यादा था। ये देखिए कितना ज़्यादा रूसी निकला हुआ है,
और ये टकला मेरा बन गया। चुंडी है ये, चुंडी रखना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि चुंडी नहीं रहेगा तो बेल जो है कि थोड़ा सा होता है। टकला बनाओ, इस पर चुंडी भी रखो। दोस्तों आप भी बना सकते हैं अपने घर बॉल लॉकडाउन में कुछ इस तरह से। ये देखिए मेरा बन गया है और काफ़ी जो है कि अजीब सा लग रहा है। और ये देखिए नस जो है कि दिख रहा है मेरा दोनों साइड में। और माथे में देखिए शंकर जी की लकीर है, कई लाइन का बन रहा है। दोस्तों अब मेरा टकला बन गया। देखिए नीम का पेड़ है, अब इसका पाती हम जो कि ले लेंगे, जो कि मुंडन करने के बाद जो है कि अगर आपके घर में रूसी है तो हमारे गांव में जो है कि ये नीम का पेड़ है, नीम का पाती ले लेते हैं इसमें से। और जो है कि इसे अच्छे से पीस लेंगे, इस सील पे पीसा जाता है। तो अभी आपको दिखा रहे हैं, ये हमने पाती ले लिया है, इतना सारा पत्ती नीम में, इसमें नीम कौड़ भी आ गया है, लेकिन नीम कौड़ हमने पाती को तोड़ लिया है और इसे डाल लिया है मिक्सर में। हमने मिक्सर का सहारा लिया है जो कि सील और लोढ़ा से पीसा जाता और अच्छा रहता, लेकिन वो मुनासिब नहीं हो पाया, नहीं पीसने वाले थे तो हमने मिक्सर में ही इसको पीस लिया है। तो सील लोढ़ा से जो पीसा जाता उतना अच्छा नहीं इसमें हो पाया है, उसका बात ही अलग होता है। तो ये देखिए मैंने मिक्सर में ही अच्छे से पीस दिया है और काफ़ी अच्छे से पीसा गया है। ये देखिए बारीक हो गया है, पेस्ट इसका अच्छा से तैयार हो गया है और देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है। वाइट मिक्सर और इसमें हरा हरा जो है कि पेस्ट बहुत अच्छा लग रहा है। ये देखिए ये पेस्ट है तैयार। अब इसे जो है कि हम शर्ट पे लगवाएंगे। ये देखिए पकले पे ग्रीन ग्रीन जैसी चिड़िया, कितना अच्छा लग रहा है। मुंडन हुआ है और इस पे जो है कि नीम का पत्ती का पेस्ट लग रहा है, काफ़ी अजीब ही लग रहा है लेकिन बहुत अच्छा काम करता है। दोस्तों अगर आप भी मुंडन करवाते हैं तो इस तरह से बेल पे जो है कि नीम का पत्ती रखेंगे तो रूसी उसी नहीं होगा और बाल आपका जल्दी से उगेगा और अच्छे से होगा और मजबूत भी रहेगा। तो मेरा बाल गिर रहा था इसलिए मैंने इसका प्रयोग किया है। ऐसे तो बहुत चीज़ों का प्रयोग होता है, अंडे का भी होता है और चीज़ का होता है, तो मैंने जो है कि नीम के पत्ती का प्रयोग किया है। गांव में ऐसे ही होता है, अब तो लोग बंद कर दिए हैं, फैशन बहुत ज़्यादा हो गया है। तो मैंने उस चीज़ को यूज किया है, आज काफ़ी समय है तो थोड़ा नया पुराने चीज़ों को याद किया जा रहा है। मैंने पुराने याद को जो हटाया किया है, बहुत पहले करते थे लेकिन अब नहीं। तो ये देखिए ये मेरा नीम का पत्ती पूरे पतले पे हो गया है, इस तरह से लगवा दिए हैं मैंने, कितना अच्छा लग रहा है नया लुक नया फैशन। जो कोई भी चीज़ होता है कुछ दिनों के बाद फिर से वापस आता है, तो ऐसा फिर से वापस आया है लॉकडाउन में। बहुत लोग जो है कि पतला बनवा रहे हैं और घर पे रह रहे हैं, तो आज मैंने भी बनाया है, तो आप भी बनवाइए। दोस्तों मेरा ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। अब मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।